जो इसका ये सेंटर वाला है, ठीक है, इसको करना है, सिर्फ सेंटर वाले को, ठीक है, ऊपर से नहीं करना। और ये जो है ये टोटली हमें गोल्ड कलर का करना है। मेरा केक माशाल्लाह से परफेक्टली रेडी है। और ये देखिए मैंने यूँ नाम लिखा है और यूँ मैंने पेंट किया है। ये पेंट है, ये कलर है बेक हाउस का, मैंने लगा के ब्रश के थ्रू मैंने यूँ इसको ऐसे पेंट कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ़ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आ गए हैं एक और एपिसोड के साथ। तो आज जो बनाने वाले हैं वो है यूनिकॉर्न थीम केक। बेसिकली ये एक केक ऑर्डर है, किसी ये एक बर्थडे केक ऑर्डर है और ये मुझे आया है तकरीबन 2 दिन पहले ऑर्डर। क्योंकि जब कोई कस्टमर मुझसे पूछता है तो मैं उन्हें ये ज़रूर बताती हूँ कि मैं 2 दिन पहले ऑर्डर पिक करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। आप मुझे 12 घंटे पहले नहीं दे सकते। यूनिकॉर्न थीम केक जो होता है, बेसिकली इसकी जो आउटसाइड पर जो हम फ्रॉस्टिंग करते हैं वो बटर क्रीम के साथ करते हैं। और मैं अपनी लास्ट वीडियो में कुछ 4-5 वीडियोस पहले बता चुकी हूँ कि गर्मियों में बटर क्रीम एप्लीकेट नहीं करती। उसकी एक रीज़न है कि वो मेल्ट हो जाता है। हाँ, एक और बटर क्रीम है, अरमाइन बटर क्रीम, इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पे मैं उसकी ज़रूर आपको फीडबैक दूंगी कि आप वो किन मौसम में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो गर्मियों में यूज़ होती है। तो अरमाइन बटर क्रीम के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, लेकिन आ चुके यूनिकॉर्न थीम के कहें आपने देखना है कि गम पेस्ट के साथ कितने घंटे पहले काम किया जाता है। गम पेस्ट की मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बता चुकी हुई हूँ, लेकिन इसमें भी मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। और जो स्पॉन्ज है स्पेशली, वो आप लोगों ने देखना है कि स्पॉन्ज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है और कितने अंडों के साथ और कितने पाउंड का ये केक बनने वाला है। थर्ड, जो ये स्पॉन्ज यूज़ हो रहा है ये हर टाइप के जो फॉन्डेंट केक है उनके लिए एप्लीकेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्पॉन्ज है, चाहे वो कार्विंग वाला आपका क्यों ना हो, तो चाहे वो आपका हाइड्रेट केक क्यों ना हो, चाहे वो आपका ढोलक केक ही क्यों ना हो, तो ये स्पॉन्ज आप उसके लिए फुली रिकमेंडेड है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाली हूँ, मेरा इंट्रो ज़रूर देखा करें। आज की सेमी फॉन्डेंट यूनिकॉर्न के तो उसके लिए जो चॉकलेट स्पॉन्ज यूज़ होने लगा है तो उसकी रेसिपी का स्क्रीनशॉट ले ले। ये 160 ग्राम है, ठीक है, मैं यहाँ से काट देती हूँ। ये लीजिए 160 ग्राम, ठीक है, ये देखिए 160 ग्राम मैदा है। अच्छा, अंडे 5 लेने हैं, चीनी 200 ग्राम है, मैदा 160 ग्राम है, कोको पाउडर 40 ग्राम है, बेकिंग पाउडर 5 ग्राम है, बेकिंग सोडा 2 ग्राम है, ऑयल 100 ग्राम है, मिल्क जो है वो 50 ग्राम है। मैं हमेशा बीटेड रेसिपीज करवाती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पर जो है वो मैं डेंस भी लेके आऊँगी। बेसिकली इशू ये होता है कि जो बीटेड होती है ना उसमें हम हाइड्रेट केक बना लेते हैं, जो डेंस होता है उसमें हम हाइड्रेट केक नहीं बना सकते, उसमें 2 पाउंड या बस 2.5 से 3 पाउंड तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो चलिए जी बताते हैं आपको। एज यूजल अंडे चीनी मिक्स होंगे, मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये मिक्स हो जाएंगे हमेशा की तरह जैसे मैं करती होती हूँ। मेरी हर एपिसोड में आपको ये प्रोसीजर देखने को मिलता है और मैं हर दफ़ा बताती भी हूँ और नए से नया स्पॉन्ज लेके आती हूँ। तो काइंडली इसको ज़रूर ट्राई किया करें और इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले टाइम पे आप लोगों को रेसिपी बनाना सिखाऊँ कि रेसिपी कैसे बनाई जाती है, ठीक है जी। इधर आ जाएं जी, ऑयल है 100 ग्राम, मिल्क है 50 ग्राम, ये भी इकट्ठा हो गया, ओके। इसको करेंगे साइड पे, चीनी और 5 अंडों को करेंगे मिक्स और इसे करेंगे बीट हमेशा की तरह। बीट करके एयर ऐड करनी है, एयर ऐड करने के बाद उसके अंदर हमने ऑयल और मिल्क डालना है, उसके बाद हमने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट शिफ्ट करने हैं और मिक्स करके हमने ये देखें, ये हाइटेड मोल्ड लिए हैं मैंने 6 इंच वाला, 6x4 वाला, ठीक है जी, 6x4 है ये, हाइटेड है और हमने हाइटेड केक बनाना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। 5 अंडों के साथ 200 ग्राम चीनी और इसको हम करेंगे बीट। अच्छा जी, ये रेडी है, इसको हम मोल्ड में डालेंगे। इसे जी यहाँ पर ये बीट हो चुका है, मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल एंड मिल्क, ठीक। डालेंगे फ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड कोको पाउडर का मिक्सचर, इसको यूँ शिफ्ट करते हुए डालना है, कभी भी डायरेक्ट नहीं डालना। फिर इसको यूँ मिक्स करना है, पहले ऊपर से, तुम पीछे हो जाओ भाई, अच्छा पहले ऊपर से, ठीक है, ताकि ऊपर से मिक्स हो जाए,
और फिर यूं नीचे से, ओके ये देखिए, फिर यूं नीचे लेके जाना है, पहले ऊपर फिर यूं नीचे। अगेन मैं इसलिए हर एपिसोड में आपको स्पंज बता रही हूँ ताकि जो नए देखने वाले उनको समझ आती जाए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप नई वीडियो को वॉच करते हैं, ओल्ड वीडियोस में जाकर नहीं देख रहे होते कि हमने कौन सा स्पॉन्ज बनाना है और कौन से स्पॉन्ज की रेसिपी लगानी है। इसलिए मैं हर एपिसोड में स्पॉन्ज बता रही हूँ ताकि कोई तो आपके हाथों पे बैठेगा। फिर नीचे, ठीक है ये देखिए, फिर ऊपर। एयर ऐड करने का मतलब ये होता है कि स्पॉन्ज एयरी हो और स्पॉन्जी हो, ठीक है। अगर आप एयर ऐड करने के बाद उसकी एयर निकाल देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं एयर डालने का, इसलिए बहुत टेक्निकल तरीके से इसको आपने मिक्स करना है। चलें जी, ज़बरदस्त 4 पाउंड केक बनने जा रहा है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है, ठीक है। टोटल 4 पाउंड केक बनेगा, ये जो है 2-2 पाउंड के 2 स्पॉन्ज निकलेंगे इसमें से। इक्वली हमने मोल्ड में डालना है, 6x4 इंच के मैंने मोल्ड लिए हैं। ऑन 70 पर बेक करेंगे 25 से 30 मिनट। यहाँ पर केक जो है वो मेरे बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा यहाँ मैं बता दूँ, मेरे से टेम्परेचर, क्योंकि मुझे जल्दी थी तो टेम्परेचर मैंने कर दिया 180, जबकि टेम्परेचर इसका 170 होना चाहिए। जितना स्लो बेक होगा उसके ऊपर क्रैक्स नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ केक्स ऐसे होते हैं जो इनको कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो यूँ क्रैकी हो जाते हैं, तो लो टेम्परेचर पर क्रैकी नहीं होंगे। तो केक मेरा आप स्टार्ट करने लगे हैं, ये ठंडा हो चुका है, तो चले स्टार्ट करते हैं। चले जी गम पेस्ट बनाते हैं। गम पेस्ट की मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हुई, मैं दोबारा आ गई, जो मुझे छोटी रेसिपी लगानी है तो छोटी रेसिपी के हिसाब से ही गम पेस्ट देख लें। विदाउट एग गम पेस्ट हम बनाने जा रहे हैं। एग वाइट के साथ ओरिजिनली गम पेस्ट बनता है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, उसको हमने 12 घंटे रखना होता है, देन इस्तेमाल करना होता है। ये फ़ौरन बना के फ़ौरन यूज़ कर लेते हैं। तो ये वाला विदाउट एग वाइट गम पेस्ट है। तो ग्लूकोज 10 ग्राम है, पानी 30 ग्राम है, आइसिंग शुगर 200 ग्राम है, टाइलोस पाउडर 1 टेबल स्पून है। टाइलोस ले लें या CMC ले लें, दोनों में से जो भी मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये पानी है जी, ये मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज लिए, इसमें डालेंगे, ठीक। टाइलोस पाउडर है, ये आइसिंग में डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा लूक वार्म करेंगे ताकि जो इसके अंदर ग्लूकोज नीचे बैठा हुआ है वो इसके अंदर हल हो जाए। यूँ मैंने इसको मिक्स कर लिया, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, इसको अभी हम नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, डालते हैं और डो बनाते। जब कभी आपसे ये रनी हो जाए तो थोड़ी सी आइसिंग शुगर डाल लें, या फिर आप कॉर्नफ्लोर डाल के इसको स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम फ्लावर डालेंगे, कॉर्नफ्लोर, ठीक है। कॉर्नफ्लोर डालने से ये स्टिकी नहीं होगी, ओके। कॉर्नफ्लोर नहीं, इसको स्टिकी होने से बचाना है। ये देखिए जी, हमारा जो है गम पेस्ट परफेक्टली रेडी है। ये फॉन्डेंट नहीं है, काइंडली फॉन्डेंट मत समझिएगा, इसे टूल्स बनाए जाते हैं जो केक के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैंने फॉन्डेंट बना के उसके अंदर गम पेस्ट, सॉरी फॉन्डेंट बना के उसके अंदर मैंने टाइलोस डाला था, तो वो भी एक तरीका का है। और एक तरीका ये है कि अगर आपके पास फॉन्डेंट ना हो तो आपके पास जल्दी से आप गम पेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। वो जल्दी टूल को ड्राई करती है, और ये होती भी टूल्स के लिए ही है। चलें जी, हमारी गम पेस्ट रेडी है। अब हम जल्दी से यूनिकॉर्न के हॉर्न्स और उसके एयर बना लेते हैं ताकि ये ड्राई हो जाए। चलें जी स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम हॉर्न बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे गम पेस्ट और यूं देखिए, जब बीच में बबलू सा है ना, इसको ऐसे ही रहने देना है। देखिए ज़्यादा फ्लावर होने की वजह से भी बाज़ दफ़ा वो नहीं होता, ठीक है। ये देखिए यूँ,
ये ऐसे आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ बन गई। तो यहाँ हम लगाएंगे पानी। ओके, यहाँ पे हम पानी लगाएंगे। पानी लगा लें या आप टाइलोस को थोड़ा सा भिगो के उसकी जेल बना के लगा लें, बात एक ही है। ओके, तो ये देखिए यूँ हम बंद कर देंगे। ओके, थोड़ा सा इसकी यहाँ से भी थोड़ा सा ये हो गया बंद। और यूँ करना इसको, ठीक है, ये देख लीजिए। और फिर यूँ थोड़ा सा और पानी ताकि ये अच्छे से यहाँ से बंद हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ से ये बंद हो जाए। और से देखिएगा, यहाँ से मैं इसको यूँ कट कर दूँगी। ठीक है जी, ये देखिए तो कितना खूबसूरत ये कॉर्न की शेप में आ चुका है। और ये हमारे पास सेव हो गए। स्क्यूअर लेंगे और इसके अंदर यूँ देखिए यूँ अंदर देते जाना है ताकि ये सेव हो जाए आपका हॉर्न। ओके, जहाँ पे आपको लगे पानी की ज़रूरत है, देखिए यहाँ पर मुझे लिटिल बिट फील हो रही है, यहाँ से इसको जोड़ेंगे। ये एज हैं इसके, तो यहाँ से इसको हम यूँ जोड़ देंगे। तो कितना खूबसूरत मेरे पास ये हॉर्न आ चुका है। ओके, तो ये हम यूँ लगा देंगे। तो ये देख लीजिए, तो हम इसको ड्राई होने के लिए रख रहे हैं। चाहिए उसके एयर्स के लिए, तो जो मेरा रोलिंग पिन है फॉन्डेंट वाला, तो वो इस टाइम मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, तो मैं इसी से बना लूँ। अच्छा जी, मैं क्या करने वाली हूँ, यूँ इसके एयर्स निकालने हैं। ठीक है, ये देखिए, कोई सा भी हार्ड कटर ले लें और उससे आप इसके एयर्स इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, ये इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, इसको यूँ रखना है आपने जो पहला बनाया था, और उसके अकॉर्डिंगली आपने निकाल लेना है। ये दोनों एक जैसे आपके पास आ चुके हैं। इसको थोड़ा पतला ले लेंगे, जो इसके अंदर हमने लगाना है, इसके सेंटर में। ठीक है, ये रखेंगे दोबारा से ऊपर, ये हम चेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये यूं बन गया, ये डबल हो गया। ठीक है, तो चलें जी, इसको भी हम पेस्ट करते हैं। तो हमारे ये काम पेस्ट सेव हो गई है। ये लगाएंगे पानी अच्छे से, या कोई भी जेल ले लें, या टाइलोस को भिगो के उसकी भी आप लगा सकते हैं। तो यूँ, ठीक है, यूँ हम लगा लेंगे। मैंने इससे, ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, इसको तोड़ूंगी। यहाँ पे आपने यूँ रखना है इसको, और यूँ प्रेस कर देना है, और यूँ रख देने आपने। ठीक है, इसको यूँ करके आपने रख देना। अच्छा, इसके लिए भी अभी हम देख लेते हैं कि हमने किसके अंदर रखना है इसको। देखिए, यूँ अंदर प्रेस एंड लाइक दिस। ठीक है जी, ये देखिए, इसको मैंने यूँ शेप देनी थी, तो मैंने यूँ शेप दे के इसके ऊपर रख दिया। ये देखें, ऐसे करके ना इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो आपने भी ऐसे रख देना। अब ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये गम पेस्ट है, ये ना चिपकेगी ना ड्राई हो, सॉरी, ना चिपकेगी ना ख़राब होगी। ये जैसे हम उठाएंगे, ये हमें वैसे ही मिलेगी। ठीक है जी,
ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है फॉन्डेंट केक के लिए। हर तरह के फॉन्डेंट केक की आप इसके साथ कार्विंग कर सकते हैं। देखिए मैंने काटा है, डार्क स्पॉन्ज है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। आप कुछ भी फॉन्डेंट केक बनाना चाहें चॉकलेट के साथ, आप ये रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी मैंने एक केक की तीन तीन लेयर कटिंग की है, ठीक है। अप्लाई करेंगे क्रीम अगेन, थोड़ा सा मैं पीछे करके रखूँगी, सोक करेंगे अच्छे से। तो मैं आपको दो लेयर करके दिखा दूंगी, ठीक है। और ये सिक्स लेयर केक है, दो लेयर में ही आपको पता चल जाएगा कि सिक्स लेयर में किस तरह से फ्रॉस्टिंग करनी है। जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा यूं ही डायरेक्ट करती हूँ डाल के, तो देन मैं जो हूँ उसकी मिक्सिंग करती हूँ केक में, तो मैं वही करने जा रही हूँ। ओके देखिए, मेरे कस्टमर इस तरह के फ्लेवर ज़्यादा पसंद करते हैं। घनाश वही रेसिपी है, 100 ग्राम क्रीम और 100 ग्राम चॉकलेट, ठीक है जी। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें लिटिल बिट मज़ीद ऐड कर सकते हैं। सेकंड लेयर इन, इसी तरह हमने सिक्स लेयर्स कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं रिच चॉकलेट क्रीम की, जिसमें मैंने प्रॉपर आपको समझाया है कि कितनी क्रीम और कितनी चॉकलेट आपने लेनी है, तो देन रिच चॉकलेट क्रीम बन जाएगी। नाइस, और साथ साथ यूं कवर करते जाएंगे साइडों से। ओके, अच्छा जी, ये देखिए ये अब फिफ्थ लेयर है, ठीक है। और फिफ्थ लेयर लास्ट लेयर है, मैंने दो आपको दिखाई हैं। और देखें इस तरह से, दूर से मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने कवर करना है इसको, ठीक है। ये क्रम कोट हो गया, बाहर इसके ऑफ वाइट कलर की फ्रॉस्टिंग होती है, वो आपको भी पता है, वो बटर क्रीम की होती है। लेकिन मैंने आपको विदाउट बटर बटर क्रीम बनानी सिखाई है सेमी फॉन्डेंट केक की, जो कि लास्ट वीडियो थी मेरी सेमी फॉन्डेंट केक के ऊपर कौन सी फ्रॉस्टिंग करें, तो वो काइंडली आप लोग देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। लास्ट एंड फाइनल, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ से मैं समझाती हूँ कि मज़ीद क्रीम को बाहर निकालना है। ये देखें, इतनी इतनी क्रीम बाहर आएगी तो देन आपकी कवरिंग होगी। बच्चे क्रीम बाहर नहीं निकालते, वो इतनी रहने देते हैं जिसकी वजह से वो कवर नहीं होता केक आपका। तो इसको ऊपर से यूं कवर करना है कि अभी तो फिलहाल हमने क्रम कोट करना, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। अभी इसके ऊपर जब दूसरी लेयरिंग आएगी तो फिर मैं आपको प्रॉपर समझाती हूँ और आपने देखना भी है। अच्छा जी, केक की जो टोटल हाइट है ना वो 6x6 इंच है, ठीक है। 6 इंच इसकी चौड़ाई है, ठीक है। इसका जो डायामीटर है वो भी 6 इंच का है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ से रखेंगे हम जी, बिल्कुल 6 इंच का है। और जो इसकी हाइट है वो भी पूरे 6 इंच की ही है, 1 जी, ठीक है जी। 6x6 इंच का ये टोटल केक बना है। अब इसको हम रखेंगे थोड़ी देर फ्रिज में और उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे दूसरी फ्रॉस्टिंग। अच्छा जी, ये वही फ्रॉस्टिंग है जो मैंने ऑयल और चॉकलेट के साथ बनानी सिखाई थी आपको लास्ट वीडियो में सेमी फॉन्डेंट केक के लिए, और गर्मियों में मैं यही एप्लीकेट करती हूँ। अब मैं क्या करने वाली हूँ, ऑफ वाइट करना है, हमें बटर का हल्का सा कलर देना है। तो देन 1 ड्रॉप फिलहाल मैं येलो कलर का ऐड करूँगी और इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और देखते हैं 1 ड्रॉप से कितना बेटर होता है, और मेरे ख्याल से 1 ड्रॉप ने ही अपना काम दिखा दिया, और 1 ड्रॉप ही काफ़ी है इसको ऑफ वाइट कलर देने के लिए, ठीक है जी। तो ये लीजिए, ऑफ वाइट कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। इसके ऊपर से हम डालेंगे और यूं हम अप्लाई कर देंगे। हमेशा की तरह मैं बताती हूँ कि 1/2 इंच बाहर निकालना होता है,
ताकि उसको वॉल मिल जाए और वॉल के थ्रू आप बाकी इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकें। और ये बहुत आला फ्रॉस्टिंग बनती है ऑयल और चॉकलेट के साथ और बहुत कंट्रोल में रहने वाली फ्रॉस्ट बन गई है। जी सारा कवर हो चुका है हमारा केक माशाल्लाह से, विदाउट बटर बटर क्रीम केक विद डबल फ्लेवर। कहीं से भी ये तंग नहीं कर रही मुझे, स्मूथली ये एप्लीकेट हो चुकी है और स्मूथली मैंने इसको स्क्रैपर के साथ नीट कर लेना है। कौन है? हो चुका है नीट एंड क्लीन। अच्छा एक टिप देना चाहूंगी, यूं इसको आपने गीला करके इसके ऊपर मारेंगे ना तो ये स्मूथ हो जाएगी, ठीक है, लाइक अ बटर क्रीम। तो देखिए मेरा केक बिल्कुल स्मूथली परफेक्टली हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर टूल्स लगाने हैं, अभी मैं इसको कोई आधा घंटा फ्रिज में रखूंगी ताकि ये स्टेबल हो जाए, फिर इसके ऊपर टूल्स लगाएंगे। हम करने लगे हैं गोल्ड डस्ट, गोल्ड डस्ट डालेंगे टेबल पर, इसको करेंगे मिक्स। सबसे पहले जो इसका ये सेंटर वाला है, ठीक है, इसको करना है, सिर्फ सेंटर वाले को, ठीक है, ऊपर से नहीं करना। बहुत एहतियात के साथ ही काम किया जाता है। हमें गोल्ड का करना है से नीचे ऊपर से कर लेना, लदा लदा रखेंगे। चलिए जी स्टेबल करने लगे हैं हम, स्टैंड करने लगे हैं चीज़ों को। तो ये हमारा टॉप है क्योंकि ये एरिया मैंने रखा है नाम के लिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना हॉर्न लगाएंगे। अच्छा यहाँ पर हमने लगाना है मिडल में, ठीक है, तो मिडल में लगाने के लिए सबसे पहले तो ये अंदर चला गया, ओके जी, यूं हो गया। अब यहाँ पर हमने बनाना है एक फ्लावर, इसकी दो आए और बाकी सारी फ्लावरिंग होगी। अच्छा जी दो कलर उन्होंने दिए हुए थे, जो उनकी तरफ से मुझे पिक्चर आई थी उसमें पीच कलर था जो कि मैं यहाँ पर इसके फोर हेड पे बनाऊंगी। जो हॉर्न होता है उसके बिल्कुल सामने ये फ्लावर आ गया, ओके। तो यूं मैं निकालती जाऊंगी क्रीम के नोजल, मैं एक ही यूज़ करने वाली हूँ और यूं मैं पुश करती चली जाऊंगी, ठीक है जी, ऐसे। और ऐसे देखिए ठीक है। अच्छा जी ये सारा यहाँ से मुझे नीचे को लेके आना है इसे कवर करते हुए। यहाँ मैंने व्हाइट कलर की ये लगाई है और इसके ऊपर हम ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे, ठीक है, ये आसान तरीका होता है अगर क्योंकि फॉन्डेंट जो है ना वो ब्लैक कलर ज़्यादा उठाता है तो समटाइम ब्लैक नहीं हो रहा होता, तो पेंट करना बेहतरीन हल होता है। तो पेंट लेके एडिबल जो कलर है ब्लैक कलर वो लेके उसके थ्रू आप इसकी आईज़ के ऊपर कर देंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए और आसानी भी रहेगी। तो इस तरीके से लेकिन थोड़ी सी एहतियात बरती जाती है, ठीक है, ये देखिए। तो यूँ मैंने इसको फ्रंट आई को यूं कर दिया, थोड़ा सा मुझे ऊपर को उठाना है और इधर से यूं करना, यूनिकॉर्न केक, और इस तरीके से आपने बनाना है। अब यहाँ पर मुझे पर्ल्स लगाने हैं, ये छोटे छोटे बॉल्स बना के लेस लगा देते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ मैं क्या करती हूँ। फोंडेंट के छोटे छोटे पर्ल्स बनाए हैं जो कि यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है जी, ऐसे करके
यूं करके ये लगाने हैं और ये सारे को कवर करना है हमने। इस तरह से ये सारा ही लग जाएंगे। मेरा केक माशाल्लाह से परफेक्टली रेडी है और ये देखिए मैंने यूं नाम लिखा है और यूं मैंने पेंट किया है। ये पेंट है, ये कलर है बेक हाउस का, मैंने लगा के ब्रश के थ्रू मैंने यूं इसको ऐसे पेंट कर दिया था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने वाइट कलर का ही रखा गम पेस्ट और उसके ऊपर मैंने पेंट कर दिया और इसके ऊपर भी मैंने सेम एज ऐसे ही किया है, वरना बहुत मैसी हो जाता है। अगर आप डो इसका ये परफेक्ट कलर बहुत मुश्किल से आता है, तो बेहतरीन हल ये होता है कि कोई नाम लिखना हो आप इसको यूँ काट के इसके ऊपर से यूँ लिख सकते हैं। तो मेरा केक रेडी है और ये जा रहा है डिलीवरी के लिए और टाइम बहुत हो गया, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रखना है फ्रिज में ताकि सेट हो जाए और फिर इसको मैं भेज दूँगी पैक करके। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप लोगों ने काइंडली काइंडली सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।